जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। काम करने वाले थे सलमान, क्योंकि टाइगर से ब्लैक टाइगर बनने के लिए इंटर टाइगर 3 से कैसे जोड़ा जा रहा है पूरा मामला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रीशा और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो सलमान खान जल्द आ रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के साथ। ये मूवी टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट होने वाली है। फैंस इसका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही मूवी की रिलीजिंग डेट अनाउंस की गई है। सलमान और कैटरीना स्टारर ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हो रही है। इस मूवी को बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं आदित्य चोपड़ा इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब तो रही टाइगर 3 से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन अब हम आपको मूवी के टाइगर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं हमारे टाइगर यानी सलमान खान एक और टाइगर का किरदार करने वाले थे? वहीं क्या आपको यह भी पता है कि हमारे भाईजान अपने करियर की पहली बायोपिक करने से रुक गए? तो इस पूरी बात को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, हमारे सल्लू भाईजान ने अपनी लाइफ में कई सारी फिल्में की हैं, लेकिन अपने 33 साल के करियर में सलमान ने अभी तक कोई भी बायोपिक नहीं की है। इसी बीच सलमान को कुछ समय पहले एक बायोपिक करने का मौका मिला था, जिसको करने के लिए सलमान रेडी भी हो गए थे। दोस्तों, इस बायोपिक में सलमान को एक बार फिर टाइगर बनने का मौका मिल रहा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ टाइगर ही नहीं बल्कि ब्लैक टाइगर के रूप में दिखाई देने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, सलमान को डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक की बायोपिक के लिए अप्रोच किया था। रविंद्र कौशिक, जिन्हें भारत का सबसे अच्छा जासूस माना जाता था, वह पाकिस्तानी सेना में मेजर रैंक पर काम कर रहे थे। उनकी निडरता और जाबाजी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने उनका नाम ब्लैक टाइगर रख दिया था। दोस्तों, सलमान और डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता के बीच इस फिल्म को लेकर पूरी डील भी हो गई थी, लेकिन कुछ चीजों को देखते हुए डायरेक्टर को इस फिल्म का पूरी तरह से डब्बा बंद करना पड़ा। इसके पीछे की एक वजह टाइगर 3 भी बताई जा रही है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद डायरेक्टर को यह बायोपिक कैंसिल करनी पड़ी? चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक्टर और डायरेक्टर के बीच इस फिल्म को लेकर पूरी बातचीत हो गई थी। वहीं सलमान इसकी शूटिंग अपनी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के बाद करने वाले थे। डायरेक्टर ने एजेंट रविंद्र के परिवार वालों से इस बायोपिक के लिए लाइसेंस मांगा था। वहीं इस लाइसेंस का टाइम पीरियड केवल 5 साल का था, जो कि अब खत्म होने वाला था। सलमान भी अपनी टाइगर 3 और बाकी की फिल्मों की वजह से इसे टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से दोनों ने इसे बंद करने का फैसला लिया। कहा यह भी जा रहा है कि सलमान ने ये फिल्म शायद इसलिए भी कैंसिल की होगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक टाइगर नाम की फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं, जिसके बाद अगर सलमान फिर से टाइगर नाम से फिर से एक जासूस के किरदार में नजर आते तो शायद उनके फैंस के लिए बोरिंग हो सकता था। फिलहाल अभी के लिए तो सलमान के फैंस उनकी टाइगर 3 को लेकर काफी एक्साइटेड है। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने की पूरी उम्मीदें हैं। सलमान और कैटरीना के फैंस जल्द ही इस जोड़ी को साथ में देखना चाहते। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस बार की फ्रेंचाइजी में एक और नया फेस ऐड होने जा रहा है। इमरान हाशमी इस फिल्म में विलेन का रोल करके इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सलमान की ब्लैक टाइगर मूवी के कैंसिल होने की वजह क्या मानते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।